इस वीडियो में मैं आपको डिस्टॉर्ट टूल के बारे में बताऊंगा कि डिस्टॉर्ट टूल से हम अपने टेक्स्ट को कैसे डिज़ाइनिंग दे सकते हैं। सबसे पहले मैं ये टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करूंगा और इधर क्लिक करूंगा और कोई टेक्स्ट लिखूंगा। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कॉस्मोस, ठीक है। उसके बाद हम पिक टूल पर क्लिक करेंगे और इसकी साइज़ को बड़ा करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम इसकी जो है डुप्लीकेट लेंगे, ठीक है। हम तीन लेयर्स बनाएंगे, एक दो और तीन। हमने तीन लेयर्स बना ली, हमें सबसे पीछे वाली लेयर रखनी है। तो हम इसको सिलेक्ट करके F12 दबाएंगे, ठीक है। और इसका जो आउटलाइन है इसकी वो 24 रखेंगे और इसका कलर जो है वो ब्लू रखेंगे, ठीक है। और ओके प्रेस कर देंगे, ठीक है। और फिल कलर भी इसका जो है वो हम ब्लू रखेंगे। फिर हम दूसरी लेयर पर आ जाएंगे, F12 दबाएंगे, ये जो है हम 16 रखेंगे। और उसके बाद यहाँ से जो है हम इसको 8 रखेंगे और यहाँ से मैं इसको कलर येलो दूंगा और ओके प्रेस करूँगा। अभी ये जो ब्लैक ब्लैक लाइन आपको दिख रही है, इसका मतलब ये फिल कलर की लाइन है, ठीक है। मतलब हमें आउटलाइन और फिल कलर दोनों सेम रखने हैं। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो फिल कलर भी येलो हो जाएगा, ये पूरा कम्प्लीटली येलो हो गया। अब इस लेयर की बात करते हैं, इस लेयर पर क्लिक करके F12 दबाते हैं और इसकी हेयर लाइन 4 रखते हैं और इसका कलर जो है वो वाइट रखते हैं, ठीक है। अब हमें जो है ना लेयरिंग देखनी है कि लेयरिंग सही है कि नहीं है। सबसे पीछे हमारी ये लेयर होनी चाहिए, इसके ऊपर ये लेयर होनी चाहिए। देखें ये गलत ऑर्डर है, ठीक है। तो हमें इस लेयर को बैक पे भेजना है, तो हम इस लेयर पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और ऑर्डर में जाके इसको टू बैक कर देंगे। शिफ्ट पेज डाउन इसकी शॉर्टकट है। देखें ये बैक पे चली गई और ये ऊपर आ गई, ठीक है। और ये जो है ये कम्प्लीट वाइट क्यों नहीं हुई, क्योंकि हमने सिर्फ अभी इसकी आउटलाइन वाइट करी है, ठीक है। हमने इसका फिल कलर भी वाइट करना है और इस पर राइट क्लिक करके ऑर्डर में जाके इसको टू फ्रंट कर देना है, यानी सबसे ऊपर ही आए। देखें सबसे ऊपर आ रही है। अब हमें क्या करना है, हमें तीनों लेयर को सिलेक्ट करना है और अपने कीबोर्ड से सी और ई प्रेस करना है। आप देखें कि हमारे पास जो है ये कैसे डिज़ाइन तैयार हो गया है, टेक्स्ट की कैसी फॉर्मेटिंग हुई है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये कॉर्नर जो एजेस जो हैं इसके वो स्मूथ नहीं हैं, ये नोकील हैं। इनको स्मूथ करने के लिए आप दोबारा से इसको सिलेक्ट करें, F12 में जाएं और यहाँ कॉर्नर्स और लाइन कैप्स में से ये सेकंड वाले दोनों पे चेक लगा दें और ओके करें। अब मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखें ये कॉर्नर इसके जो है ना वो गोल हो गए, स्मूथ हो गए,